हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित और इस चैनल पे मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आ गया हूं हाउ टू सीरीज़ का। मैं इस सीरीज़ में काफ़ी सारी वीडियोस बनाने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नए और अच्छे वीडियोज़ बनाने का। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ USB कैसे आप कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे मैं आप देख सकते हैं USB कनेक्ट कर दिया। आप इससे फ़ोन को भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप काफ़ी सारी अपने ऐप्स चला सकें, जैसे कि मैप्स वगैरह। इस आपके फीचर में स्मार्ट प्ले में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप वायरलेसली अपना इसमें मैप्स वगैरह चला सकें, तो उसके लिए आपको फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी और आपका फ़ोन भी कनेक्ट होना चाहिए USB के थ्रू। तो अब आप देख सकते हैं मैं अपने फ़ोन को कनेक्ट करूँगा यहाँ पर USB से। कनेक्ट करते ही आप देख सकते हैं कि एंड्रॉयड ऑटो इसमें आ गया है, तो अब मुझे इसको सेटअप करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं डाउनलोड होने के बाद ही आपको एक्सेप्ट वगैरह करना है, आपको सारे प्राइवेसी वगैरह करनी है, क्योंकि ये परमिशंस मांगता है कि आपके फ़ोन को एक्सेस करके उसमें मैप चला सके। आप सारी परमिशंस दे सकते हैं, कंटिन्यू। आपको ये फ्लोटिंग वाला भी इसको देना पड़ेगा, जिससे आप कभी भी कनेक्ट करें तो फिर आपका फ़ोन मतलब एक्सेस कर सके मैप्स वगैरह को या ये वो। क्योंकि आप अगर मैप्स ऑपरेट करेंगे तो आपको इसमें भी वही मैप दिखाई देगा स्क्रीन में, और यहाँ पे भी वही मैप चल रहा होगा यहाँ पे, लेकिन वो कैसे भी चल सकता है जैसे बैकग्राउंड में। आप देख सकते हैं जैसे कि अब हमारा कनेक्ट हो गया है, तो अब हम आपको दिखाएंगे जैसे कोई भी लोकेशन। जैसे आप देख सकते हैं अभी मैप लोड होने में टाइम लग रहा है, लेकिन आपका ऐसे पूरा गूगल मैप्स इसमें आ जाता है। तो आप यहाँ पे कोई भी लोकेशन टाइप कर सकते हैं, तो फिर आप जैसे भी कोई भी लोकेशन टाइप करेंगे तो फिर आप उस पर जा सकते हैं, फिर आपको यहीं पे पूरा आपका मैप्स दिखाने लगेगा। आप चाहें तो माइक्रोफोन का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ से दबा के। आपको जैसे कि पता है कि आपके स्टीयरिंग में भी माइक्रोफोन माउंटेड रहता है, कि आपका फ़ोन ब्लूटूथ से भी कनेक्टेड है, तो आप सीधे यहाँ पे कार में बैठे बैठे यहीं से एक्सेस कर सकें अपना मतलब कॉल कर सकें। तो इसमें ये सब फीचर्स काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं। और आप देख सकते हैं अगर आप मैप्स भी खोलते हैं नेवी मैप्स, तब भी आपको इससे ऑफलाइन मैप्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन मैप्स के लिए भी आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि आपका फ़ोन USB के थ्रू कनेक्टेड हो आपकी कार से। तो आपको बाकी सारे फीचर्स यूज़ करने के लिए उससे पहले आपको स्मार्ट प्ले स्टूडियो की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो आप इसको ओपन करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर कार का डाल सकते हैं या फिर कंटिन्यू एज गेस्ट भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अवेलेबल ऐप्स एंड अपडेट्स, जैसे माई ऐप्स मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है नेवी मैप्स, तो मैं इसको यहाँ से खोल सकता हूँ। तो इसमें आपका ये पूरा दिखा देता है आपका जो भी मैप रहता है वो। तो अब इसको मैं बैक करता हूं और आपको इसके सिस्टम्स बताता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा गूगल मैप्स है, ये सारे फीचर इसमें काम करेंगे आपके गूगल असिस्टेंट के। जैसे कि आप जानते हैं कि कार में हमारे माइक्रोफोन ऑलरेडी है, तो अगर आप यहां पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा असिस्टेंट एक्टिवेट हो जाएगा। और ये देखिए आपकी यहाँ पर वॉइस सुन रहा है, जैसे अगर आप चाहें इससे वेदर पूछ सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, और आप कोई कुछ भी बोलेंगे इसमें तो ये आपको उसी हिसाब से रिप्लाई करेगा। तो ये देखिए जैसे कि आपको ये पूरा सुन रहा है और ये रिप्लाई भी करेगा, तो ये वही आपका स्मार्ट असिस्टेंट आपके कार से कनेक्ट हो जाएगा। आप गाने सुन सकते हैं, आपको न्यूज़ चाहिए, वेदर चाहिए, आप जो भी इसमें बोलेंगे वो आपको इसमें मिल जाएगा। और काफ़ी चीज़ों के बारे में लोगों ने मुझसे पूछा था स्मार्ट प्ले की, कि इसमें सिस्टम की जैसे आप ये साउंड सुन सकते हैं बीप की साउंड, इसको कैसे हटाना है। तो इसको हटाना काफ़ी सिंपल है, आप उसके लिए सेटिंग्स में जा सकते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको ये साउंड वाला आइकन बना हुआ है, आप इस पर जा सकते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं आपको म्यूज़िक के काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हैं। आप इसमें अपना बेस वगैरह बैलेंस कर सकते हैं, इक्विलाइज़र, वॉल्यूम प्रीसेट, सिस्टम डिपेंडेंट वॉल्यूम, स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल, तो आप इसको ऑन ऑफ या वो सब कर सकते हैं, स्पीड के हिसाब से आपकी वॉल्यूम चेंज होगी। और आप ये सिस्टम बीप, ये देखिए लास्ट ऑप्शन दिया है, आप इसको अगर ऑफ कर देंगे तो आपको उसके बाद कोई भी बीप की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। और इस ऐप में हमको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं आपको बेस कितना सेट करना है, मिड, ट्रेबल, और आप ये देख सकते हैं फेडर, इक्विलाइज़र, प्रीसेट्स। तो आप इसमें काफ़ी सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं अपनी कार के हिसाब से। और उसमें आपको वो भी रहेगा कि आप कार के हिसाब से देख सकते हैं ड्राइवर या रियर आपको कहाँ पे रखना है इसकी साउंड को। आप देख सकते हैं सेंटर में है, तो सेंटर में अगर आपकी साउंड का फोकस होगा तो आपको मतलब साउंड काफ़ी अच्छी सुनाई देगी। और आप इसको नीचे आगे भी शिफ्ट कर सकते हैं, अगर आप आगे शिफ्ट करेंगे तो आपको आगे वाले स्पीकर से ज़्यादा आवाज़ आएगी।
तो इस तरीके से आप इसको पूरा सेट कर सकते हैं अपनी कार में, मतलब अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस के लिए साउंड के। और आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारी ये सेटिंग्स दी हैं, और आप स्मार्टफोन लिंकेज वगैरह ये सब चेक कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप लिंकेज मोड में एप्पल कारप्ले भी दिया है, स्मार्ट प्ले स्टूडियो भी दिया है, और एंड्रॉयड ऑटो भी दिया है। तो आप एंड्रॉयड ऑटो पर क्लिक करके उसको एक्सेस कर सकते हैं अगर आपका फ़ोन कनेक्टेड हो उसके थ्रू। और बाकी सारे आप देख सकते हैं डिस्प्ले, डिस्प्ले ब्राइटनेस मैंने फुल की हुई है, मोड डे देख सकते हैं आप। तो इसमें आपको इतने काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं कि आपको मतलब बस सेटिंग्स में जाना है और जिस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है आप उस पर जा सकते हैं। सिस्टम इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर वर्जन और ये सब भी दिया हुआ है, और डेट टाइम आप सेट कर सकते हैं, सिंक विद GPS, टाइम जोन, 24 आवर फॉर्मेट चाहिए कि नहीं आपको। तो बस इसमें ये सब फीचर्स हैं, काफ़ी फीचर पैक्ड है ये, तो आपको एक्स्ट्रा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपकी कार में ये फिटेड है। और ये अभी तो टॉप मॉडल्स में ही आता है, बाकी आगे हो सकता है कि मिड रेंज मॉडल्स में, या फिर आप अगर मिड मॉडल है आपका जैसे मिडिल रेंज वाला, जैसे LDI, VDI या LXI, VXI, तो आप उसमें इसको अलग से भी फिट करवा सकते हैं अगर आप चाहें तो, एक्स्ट्रा मतलब अलग से कॉस्ट देके। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके और कुछ सवाल हों और आपको कुछ डाउट्स हों तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी आने वाली वीडियो देखते रहने के लिए। थैंक यू।